दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब अपडेट AENJEE में। आज जो न्यू रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशन निकल के आई है वो है पावर ग्रिड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, पावर ग्रिड में निकाली गई है काफ़ी सारी वैकेंसियाँ, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने BTech या फिर डिप्लोमा या फिर ITI पास आउट किया है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या रखा गया है और एप्लीकेशन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट AENJEE को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सारी वैकेंसियों की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वैकेंसी निकाली गई है वो पावर ग्रिड की तरफ से निकाली गई है। पावर ग्रिड काफ़ी सारे सेक्टरों में जो है काम करती है और ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसमें जो आपकी वैकेंसी होने वाली है वो आपकी गवर्नमेंट जॉब के तहत यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो चलिए मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन की तरफ, जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL जो कि एक गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस कंपनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे इन्होंने मेंशन किया, रिक्वायरमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग, HR एंड फाइनेंस एंड असिस्टेंट ट्रेनिंग, इन सारी पोस्टों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो पहले तो इन्होंने अपने कंपनी के बारे में डिस्क्राइब किया, फिर यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है, पावर ग्रिड इज़ लुकिंग टू फॉर ब्राइट एंड इंटरग्रेटिंग एजुकेट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर टू ज्वाइन इन फोल्ड एज डिप्लोमा ट्रेनिंग। तो जो इनकी वैकेंसी निकाली गई है वो रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग एंड असिस्टेंट ट्रेनिंग, ये तीन पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें काफ़ी सारी पोस्ट निकाली गई। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये रीजन एंड प्रोजेक्ट, जो इनका काफ़ी सारे पूरे इंडिया में इनके काफ़ी सारे प्लांट हैं और काफ़ी सारे इनकी लोकेशन पे ऑफिस है, तो ये लोकेशन वाइज पे यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। सबसे पहले देखिए नॉर्दर्न रीजन है, जो कि हमारा दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि नॉर्दर्न में कौन कौन से स्टेट आने वाले हैं। तो नॉर्दर्न रीजन 2 में जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर, ये सब है। नॉर्दर्न रीजन 3 में देखिए जो है उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है। ईस्टर्न रीजन में देखिए सबसे पहले बिहार है, झारखंड है, फिर ईस्टर्न में वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है। नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में NER में अरुणाचल, असम, मणिपुर। तो ये सबसे पहले इन्होंने लोकेशन को कैटेगराइज बांट दिया है कि किस किस लोकेशन पे कौन सी वैकेंसियों के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो अब सबसे पहले देखिए DET, सबसे पहले DTE डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और सिविल वालों के लिए। सबसे पहले देखिए DTE मतलब डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की अगर हम बात कर लें तो दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो 14 है, जिसमें अर्ध रिजर्व की 7 है, AWS की 1 है, OBC और NCL की 4 है, SC वालों के लिए 2 है, PW वालों के लिए 1 है, XSM वालों के लिए 2 है और DSM वालों के लिए 1 है। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है ये देखिए रीजन CC है, फिर DTC डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 6 है, अनरिजर्व की 4 है, OBC की 1 है, SC वालों की 1 है। फिर देखिए GOT HR के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पे 14 वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पे आपको अनरिजर्व की 8 है, AWS की 1 है, OBC के लिए 3 है, SC वालों के लिए 2 है। GOT असिस्टेंट वालों के लिए, HR वालों के लिए, तो ये फाइनेंशियल एंड असिस्टेंट वालों के लिए 16 है। अब CC टोटल इतना हो गया, टोटल इतनी वैकेंसी। फिर ER1 के लिए डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 26 है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की देखिए 26 है, जिसमें ये कैटेगरी वाइज भाई बांट दिया गया है। फिर DTC डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल वालों के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है। GOTR जॉब ट्रेनिंग जो है HR रिक्वायरमेंट वालों के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी होने वाली। फिर देखिए ER2
ईस्टर्न रीजियन। यहाँ पे देखिए डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टोटल 25 वैकेंसी निकाली गई है और एचआर वालों के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई। फिर ER3 उड़ीसा के लिए, देखिए जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा की लोकेशन पे यहाँ पे इन्होंने DTE 17 वैकेंसी निकाली है एंड डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 17 है और सिविल वालों के लिए 2 है। एचआर वालों के लिए देखिए यहाँ पे 3+2 एक्स्ट्रा दिया गया है। एफ एंड एम फाइनेंशियल वालों के लिए 5 है और असिस्टेंट ट्रेनिंग वालों के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। फिर इसी तरीके देखिए NER में निकाली गई है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 33 वैकेंसी निकाली गई है। मतलब काफ़ी सारे देखिए हर लोकेशन पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों आप लोग इसमें अप्लाई ज़रूर करें, इसमें एक बार अगर आपका हो गया तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब रहती है तो आपको अच्छी सैलरी भी ये देंगे, तो आप इसमें अप्लाई करो, इसमें ईजिली हो जाता है। फिर NR1 में देखिए DTE के लिए यहाँ पे 63 जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे कितनी सारी पोस्ट निकाली गई है नॉर्दर्न रीजन 1 में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 63 है और DC सिविल वालों के लिए 8 है और HR वालों के लिए 13 है। ऐसे देखिए NR3 में जो नंबर ऑफ वैकेंसी, देखिए यहाँ पे भी 60 वैकेंसी निकाली गई है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और सिविल वालों के लिए 7 है, HR वालों के लिए 5 है। और ये देखिए सारी वैकेंसी इन्होंने कैटेगरी वाइज भाई बांट दी है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व की गई है। वैसे ये नॉर्दर्न 3 में भी देखिए यहाँ पे 69, देखिए यहाँ तो और ही ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है, 69 वैकेंसी डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, सिविल वालों के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। ऐसे देखिए ये सारा SR देखिए यहाँ पे 59 निकाली गई है, ट्रेनिंग सिविल वालों के लिए 14 निकाली गई है, HR वालों के लिए 9 निकाली गई। तो देखिए ये कैटेगरी वाइज ये पूरे इंडिया के अंदर काफ़ी सारी इन्होंने वैकेंसी निकाली है जिसको कैटेगरी वाइज इन्होंने बांट दिया। तो आपको जिस भी स्टेट के अंदर आपको अप्लाई करना है या फिर आप जिस स्टेट में रहते हैं आप उसी स्टेट में अप्लाई करें जिससे कि आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, देखिए यहाँ पे 795+2+5 वैकेंसी निकाली है, मतलब काफ़ी सारी वैकेंसी, मतलब एक हिसाब से कह देंगे हम लोग कि 800+ वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है दोस्तों। तो ये पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा प्रोसेस के मतलब कि पूरी कितनी वैकेंसी निकाली गई, किस किस रीजन के लिए कितनी कितनी, मतलब कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी निकाली गई। अब बात करते हैं देखिए DTE डिप्लोमा इंजीनियर PW, देखिए ये कुछ कैटेगरी वाइज के लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ स्पेशल छूट दे के रखा है। तो देखिए DTE की बात करें तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहले फुल टाइम 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है जिसमें आप इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए और इन्होंने यहाँ मेंशन किया कि आपके पास 70% का मार्क्स होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका 70% नहीं है तो फिर आप इस जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले यहाँ पे बताया अगर आपने BTech या MTech किया है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर अगर आप BTech MTech कर रहे हैं तो भी आप इस जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर सिविल वालों के लिए भी देखिए यहाँ पे सेम बोला गया कि 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है सिविल से रिलेटेड, और यहाँ पे भी BTech BE वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। HR वालों के देखिए यहाँ पे BBA BBM और BBS मांगा गया है और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा और हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई, और जो इसके अलावा कोई भी स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अनदर ग्रेजुएट की तो वो भी इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर फाइनेंस एंड असिस्टेंट वालों के लिए देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है आपकी, सिर्फ जिन्होंने भी BA BSc BCom किया है वो इसे में अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट देखिए यहाँ पे BCom वालों के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जिसमें यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली गई है। और देखिए यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि मतलब कि कोई भी हायर एजुकेशन अगर कर रहा है तो वह यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है, ऐसा सीन है। अपर एज की अगर हम बात करें तो आपकी 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, अगर आपकी ये 27 साल से ज़्यादा है तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पे स्केल की बात करते हैं, देखिए जो DT और मतलब की सारी वैकेंसी हैं जो डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए है, सिविल वालों के लिए है प्लस HR वालों के लिए है, तो यहाँ पे आपकी जो पे स्केल होने वाली वो 24,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, भारी सैलरी आपको यहाँ पे दी जा रही है, बहुत ही अच्छी सैलरी देंगे आपको, 24,000 से स्टार्ट होती है और जिसका एंड जो है वो 1,80,000 तक भी जाएगा, 1,08,000 तक का जाएगा दोस्तों, प्लस आपका जो
अलग बेनिफिट मिलता है वो अलग आपको मिलेगा। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ट्रेनिंग को यहाँ पे 21,500 से स्टार्टिंग होगी और 74,000 रुपये तक जाएगा। अगर हम लोग सर्विस बॉन्ड की बात करें तो देखिए जो ये बॉन्ड है वो आपका ट्रेनिंग एंड बॉन्ड टू अमाउंट बिलो आपको 3 साल का यहाँ पे बॉन्ड होने वाला है। तो जो कि बॉन्ड के यहाँ पे इन्होंने बताया कि इतना इतना रुपए लगेगा और आप अगर बॉन्ड छोड़ के जाएंगे तो दोस्तों आप अपने आपको अगर गवर्नमेंट कंपनी मिलती है तो आप उसे छोड़ के मत जाइए, क्योंकि एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सैलरी भी बहुत अच्छी देंगे वो लोग। अब बात कर लें एप्लीकेशन फ़ीस की। देखिए दोस्तों जो DTE DTC और HR वालों के लिए, डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए और जो HR वालों के लिए है प्लस GOT के लिए भी जो है वो 300 रुपये होने वाली है, प्लस असिस्टेंट ट्रेनिंग वालों के लिए यहाँ पे 200 रुपये होने वाली है। तो अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया है जो कि यहाँ पे आपको पेमेंट करानी होगी। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, मतलब कुछ भी कैंडिडेट, कुछ ऐसे कैंडिडेट जो इन कैटेगरी वाइज से रिलेटेड है उनको कुछ एज में छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होने वाला है वो, और उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो दोनों आपका टेस्ट यहाँ पे होने वाला है, प्लस यहाँ पे जो है GOT असिस्टेंट वालों के लिए आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी होगा। देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो टेस्ट ड्यूरेशन है वो कितना होगा, उसमें क्वेश्चन कितने आएंगे और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, पूरा क्राइटेरिया देखिए इन्होंने यहाँ पे रखा है। तो दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप मांग सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1.5 ऑफ वैकेंसी अप टू 3। यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया है कि रेशियो ऑफ कैसे होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। प्लस आपको यहाँ पे देखिए हेल्थ का वो भी, यहाँ पे हेल्थ का आपका इंश्योरेंस भी किया जाएगा कंपनी की तरफ से। अब देखिए नॉर्दर्न में टेस्ट सेंटर की बात कर ले तो देखिए यहाँ पे दिल्ली, जयपुर, देहरादून में, जम्मू, श्रीनगर, नॉर्दर्न सेकेंड में, नॉर्दर्न थ्री, लखनऊ, वाराणसी, मतलब देखिए पूरे इंडिया, ऑल इंडिया के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो हर स्टेट में कुछ बड़े बड़े शहरों में यहाँ आपका टेस्ट सेंटर होने वाला है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए इन्होंने बताया है सारा प्रोसेस कैसा है। सबसे पहले आपको ये लिंक पे जाना है, करियर सेक्शन में जाके इसे आपको अप्लाई करना है और यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में, इस PDF में बताई गई है। प्लस आपको वीडियो में भी हम बता रहे हैं कि सारा एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे बताया सिग्नेचर आपको अपलोड करनी, तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो दोस्तों वो तब आपके लिए चाहिए रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई दोस्तों। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सारी वैकेंसियों की आप अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।